हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? सो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ बंजारा मार्केट। सो एक्सप्लोर करने से पहले गाइस, बंजारा मार्केट गुड़गांव में है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक चीज़ें मिल जाती है, होम डेकोर एंड आपका बेड सोफ़ा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है बहुत कम से कम दाम में। सो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। सो चलो, सो गाइज, बंजारा मार्केट में ना इस बार जब मैं गई थी तो दो तीन शॉप्स बंद थी जिसमें बहुत अच्छा आइटम्स होता है, बट उसी के चक्कर में मेरे को न्यू शॉप्स भी डिस्कवर हुई। बंजारा में गाइज आपको वुडन का सारा स्टफ मिल जाएगा, बेड से लेके, सोफा से लेके और बेड कॉर्नर से लेके टेबल चेयर सब कुछ यहाँ पे नई भी होती है एंड पुरानी भी होती है, तो पुरानी को भी ये लोग कस्टमाइज करके दे देते हैं अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग, आई मीन दी बेस्ट, आपको यहाँ पे सारे प्लेटर्स एंड यू नो बॉल्स जितना भी हमारा किचन एसेंशियल होता है यहाँ पे आपको मिल जाता है, वो भी सेरेमिक में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें अपने घर के लिए खरीदी हुई है एंड बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे मिलती है। सो जैसे कि आज आपको दिख ही रहा होगा, बंजारा मार्केट बहुत ही शांत, बहुत ही कम लगी हुई है। सो इसलिए अभी आप लोग इस वीक रहने देना, नेक्स्ट वीक जाना, बिकॉज अभी कुछ खास स्टॉक नहीं आया हुआ था, नया स्टॉक आने वाला है, तो नेक्स्ट वीक जरूर आप लोग जाके वहां पे जाना। सो गाइज, और यहाँ पे आपको बंजारा मार्केट में जो मिल जाएगा इस वीडियो में, जैसे कि आपको यहाँ पे बॉल्स मिल जाएंगे बड़े बड़े, इन बॉल्स का प्राइस गाइज 80-90 रुपीज था। और एक चीज और, एज अभी बंजारा मार्केट में सामान कम है इसलिए आपको जो वो सामान है वो सब उन्हें बेचना है अभी, तो आपको कम से कम प्राइस में मिलेगा। सो अगर आप लोगों को ऐसी छोटी मोटी चीजें लेनी है या बेड लेना है, सोफा लेना है, ऐसी चीजें लेनी है, तो आप बंजारा मार्केट जरूर विजिट कर सकते हो, बिकॉज अभी आपको कम से कम प्राइस में यहाँ पे चीजें मिलेंगी। सो गाइज, ये जो यहाँ पे बॉल्स है यहाँ पे 50-80 रुपीज में स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन प्लांटर्स जो मैं अपनी हर वीडियो में दिखाती हूँ बिकॉज आई जस्ट लव इट, ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 1200-1300 रुपए में। ये लैम्प्स आपको मिल जाएंगे 350-500 रुपए में, 500 रुपए बोलेंगे आप, कोशिश करना 350 तक की बार्गेनिंग करो, क्योंकि 500 तक तो ये सरोजनी में भी मिल जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे केव्स मिल जाएंगे, ये मतलब ना गाइस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपको खुद से अपने अकॉर्डिंग घर में आप इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, वैसे आपको खुद अपना माइंड यूज़ करके घर पे डेकोर करना होता है। देन आपको कुछ कैंडल सेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, टेबल्स मिल जाएंगी मार्बल वाली, अभी इनका प्राइस भी बहुत कम हो रखा है। एंड गाइस ऊपर से आप देख रहे हो ये लीव वाली प्लेटर, मतलब जैसा भी आपको कैफेज में एंड यू नो बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना, अगर आपका कैफे भी है एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू यू नो ओपन अ न्यू कैफे, तब भी आप यहाँ से आके सामान परचेस कर सकते हो। एंड लुक एट दीज, ये ब्लू रेड एंड येलो का, ओ माय गॉड व्हाट अ प्रिंट एंड व्हाट अ वाइब। ये जो बड़ा वाला मग था ये 250 रुपीज का था, प्लेट्स आर फॉर 100 रुपीज एंड कप्स आर फॉर 40 और 50 रुपीज। अगर आप एक ही शॉप से लेते हो काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाती है। उसके बाद गाइस रक्स, वैसे विंटर्स समर्स में तो ज़्यादा कोई नहीं रखता, इसलिए भी रक्स का भी प्राइस थोड़ा कम हो रखा है, क्योंकि विंटर्स में ना सीजन होता है रक्स का, बहुत लोग खरीदते हैं, बट समर में ज़्यादा लोग रक्स प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसलिए अभी मैंने जब पहले बंजारा जाती और इस बार बंजारा के रक्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क था, तो आप अगर रक्स परचेज करना चाहते हो तो आप ज़रूर बंजारा के परचेज कर सकते हो। देन ये जो मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ आजकल चल रहे हैं आपके बेडरूम्स एंड सोफ़ा के पीछे वगैरह लगाने के लिए, इनका प्राइस भी थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो रखा था, लाइक स्टार्टिंग प्राइस फ्रॉम 1000 एंड जो छोटे वाले थे वो 800-1200 में भी मिल रहे थे, तो आप ये भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। देन ये वाला जो रग है ये वाला आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ तक का मिल जाएगा, छोटा वाला 100 रुपीज़ तक का मिल जाएगा, एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, बहुत फ्लफ़ी होता है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है, क्वालिटी के साथ साथ गाइस आपको ना यहाँ पे डिजाइन कलर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ये वाले मोटे वाले रग आपको 800-900 रुपए में मिलते हैं, ये काफी बड़े होते हैं, अभी फोल्डेड होके रखे हुए हैं। वैरायटी आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो गाइस, कैसी है आप लोगों को, कैसी लग रही है। एंड अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर 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 चैनल सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऐसे कुछ यू नो घर पे डेकोरेशन के लिए होता है ना, बहुत एस्थेटिक चीजें, बहुत विंटेज वाली वाइब आए घर से, ऐसी आपको मिल जाएंगी। एंड अ पिज्जा प्लेटर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100 रुपीज का, मतलब आपका घर सिंपल से रॉयल में आप एक बार बंजारा मार्केट आके कन्वर्ट कर सकते हो बाय बाइंग दीज अमेजिंग स्टफ फ्रॉम बंजारा मार्केट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो अभी यहाँ पे आपको रक्स फिर से मैं दिखा देती हूँ, बिकॉज रक्स की बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है कि रक्स दिखाओ रक्स दिखाओ रक्स दिखाओ। सो उसके बाद आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो स्टैच बनी हुई है, लायन बना हुआ है,
लीफ बनी हुई है, ये सब आपके घर के किसी वाइट से यू नो कॉर्नर पे रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। सो उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, ये अलादीन का चिराग, ये भी बहुत एंटिक चीज़ें थी। ऐसी एंटिक चीज़ों का प्राइस ये लोग काफ़ी ज़्यादा बताते हैं, सिर्फ और लाइक बोलेंगे आपको 2000-1200, बट ये आपको 400 से 500 रुपये में बिल्कुल हंस के देंगे। बट गाइज लेट मी टेल यू, आपको सामने से लग रहा होगा अरे रोड साइड मार्केट है क्या ही होगा, बट जब आप इसको सामने से देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी क्रिस्टल का है एंड बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत हैवी होता है, क्वालिटी एकदम मतलब बहुत महंगी एक्सपेंसिव वाली क्वालिटी लगती है। तो अगर सपोज आपको किसी को कुछ गिफ्ट भी देना है तभी भी आप बंजारा मार्केट आके विजिट करके यहाँ से ले सकते हो एंड देन गिफ्टिंग पर्पस के लिए आप लोगों को ये गिफ्ट कर सकते हो, तभी भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत रॉयल लगता है एंड बहुत महंगी वाली बातचीत लगती है, दैट्स व्हाई। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइस, जैसे कि ये वाले भी आप साइड में देख रहे हो, ये भी आपको सारे डेकोरेशन आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब एकदम डिफरेंट चीज़ें मिलती है जो कहीं देखी भी नहीं होती, एकदम ऐसे अलग अलग चीज़ें। अब जैसे बहुत लोगों के घर में लायन एंड ये तो आपने देखा ही होगा, चीता वाला ये रखा होता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है एंड इस बार ऐसे बॉल्स भी थे एंड ये जो ये क्रिस्टल वाला है इसे अमेजोन पे काफ़ी महंगा मिलता है, यहाँ पे आपको 150-200 रुपीज़ का मिल जाएगा। प्राइस जो कोट करते हैं वो इसका 500 रुपीज़ करते हैं, बट देन अगेन जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बंजारा में बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा एंड एक ही शॉप पे आप लगा लो कि आपके 10 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आप वहाँ से सामान खरीद रहे हो आपको 10 से 20 मिनट उनसे बहस करनी है कि कर दो तो वो कर देते हैं। उसके बाद ये वाला आप मिरर देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड क्लासी लग रहा था, इसका प्राइस उन्होंने 2500 रुपीज़ बताया था, बट मुझे लेना नहीं था तो मैंने बार्गेनिंग नहीं करवाई। बट आप बार्गेनिंग करवाओगे तो मेरे जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको 1500 तक का ये मिल जाएगा। एंड गाइज आप लोग लाइक दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से बाहर रहते हो, आप लोगों को भी पता है ये सब चीज़ें अगर हम मॉल शोरूम्स एंड कहीं से भी लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, बट यहाँ पे वो चीज़ सही मिलती है। एंड गाइस हमेशा ना बंजारा में मिरर वाइट कलर का होता है, इस बार ग्रीन ब्लू पर्पल येलो पिंक बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन थे सेम उसी प्राइस में, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन ये मार्बल वाला स्टूल जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है टेबल एंड मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में दिखाती हूँ, ये पूरा पूरा सेट आपको मतलब एक जो सबसे छोटा वाला है वो आपको 2500, उससे बड़ा वाला 4000, उससे बड़ा वाला 6000-8000 ऐसे का मिल जाता है, बट ये ऊपर प्रॉपर मार्बल होता है जो बहुत महंगा होता है जयपुर से जो मार्बल आता है। एंड देन आपको क्रॉकरी में अगेन आपको यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन, ये वाला बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन है बंजारा का। एंड देन आप ये देख रहे हो हेलोइन वाला ऐसे रखा हुआ है, ये कितना क्यूट लग रहा है। आप खुद सोचो कि लाइक आपके किचन में ऐसी चीज़ें हैं या होम में कहीं ना कहीं साइड में कॉर्नर्स में ऐसी चीज़ें रखी है तो ये कितना प्रिटी लगता है, मतलब कितना ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो येस एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कप्स मिल जाएंगे, जैसे कि 40 रुपये से कप स्टार्ट हो जाता है एंड देन आपका चलता है कप मतलब 80-100 रुपये लास्ट होता है कप का प्राइस, उतने में आपको मिल जाता है आसानी से। उसके बाद आपको बड़े बड़े जार्स मिल जाएंगे एंड ये छोटे छोटे वाले भी मिल जाएंगे गाइस। एंड गाइस प्लांट्स का मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार भी बता रही हूँ, प्राइस आप लोगों को बंजारा मार्केट में ज़्यादा बताएंगे बट मैं 50 रुपीज़ का खरीद के लेके आती हूँ तो आप भी 50 तक की बार्गेनिंग करना आपको मिल जाएगा। एंड देन ऐसे एस्थेटिक्स जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोज़ में भी पीछे रखते हैं या फिर यू नो घर के कॉर्नर्स में रखते हैं, लैम्प्स है ये बहुत अच्छी लाइट देते हैं, बहुत विंटेज एंड रॉयल वाला व्यू है, ये आपको 1500 तक का मिल जाएगा, बट लेट मी टेल यू ऑनलाइन इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, बट मैंने एक बार इसको बार्गेनिंग किया था तो उन्होंने 1500 तक का लगा दिया था और 1500 तक का लगा दिया था तो हो सकता है इससे कम भी लगा दे। तो गाइस ऑल इन ऑल बात यही है कि आपको बार्गेनिंग करनी है, बहुत लोग मुझे बोलते कि आप हमारे साथ चलना या आप हमें डिलीवर कर दो, तो वो चीज़ भी मैं वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ गाइस, डिलीवर करना क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें काफ़ी हैवी है सो डिलीवर करना आपके एरिया में, वो जो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी ना शिपिंग वो आपको इतनी पड़ जाएगी कि उतने में आपको अपने ही एरिया में ये सेम चीज़ें मिल जाएंगी। एंड सेकेंड थिंग बहुत लोग बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे हमें वहाँ जाके फोटो सेंड कर दो, देन अगेन यही है गाइज शिपिंग आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा सो सामान सस्ता पड़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ दिल्ली एंड दिल्ली NCR पीपल के लिए ये सही है या फिर कोई MP रहता है UP मतलब जो आसपास रहते हैं लाइक वो अपनी कार में आ सकते हैं विजिट कर सकते हैं एक दिन आके एंड देन लेके सामान जा सकते हैं उनके लिए गुड है, बट कोई केरला है या बॉम्बे रहता है तो उन सब के लिए इट इज़ नॉट वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो येस बट कोई नहीं, बहुत और चीज़ें भी हैं जो वर्थ इट होंगी एंड मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगी मार्केट की दिल्ली की जिसमें आपको ऑनलाइन चीज़ें आप मंगा सकते हो एंड खरीद सकते हो, तो उस सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।
एंड बेल आइकन भी गाइस प्रेस कर दो। उसके बाद गाइस मैं आपको इस वाले लेन में दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि लैंप होते हैं, एक तो ये स्टैंडिंग वाले, एक होते हैं ऊपर वॉल वाले जो ये बड़े बड़े आपको साइड में दिख रहे हैं, ये ऊपर ना हैंग होते हैं, जहाँ पे पंखा हैंग होता है ना उससे हुक में हैंग होते हैं। देन आपको ये छोटे विंटेज वाले मिल जाएंगे। एंड गाइस अगर आप कैश कम भी लेके आ रहे हो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर शॉप पेटीएम गूगल पे सब एक्सेप्ट करती है, सो कैश का भी इज नॉट अ प्रॉब्लम हेयर, बट बेटर है कैश लेके आ जाओ तो ज़्यादा ठीक है, बट नहीं भी ला रहे तो चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे से थोड़ी सी डेकोरेशन आइटम्स मिल जाएंगे, मैं आपको ये सारा दिखा रही हूँ, जैसे कि आपको गणेश जी का मिल जाएगा, बुद्धा जी का मिल जाएगा, शिव जी की मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी और बड़ी एस्थेटिक मूर्तिज़ आपको मिल जाती हैं। इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज इनका मटीरियल काफ़ी हैवी होता है। एंड गाइज अगेन मैं चीज़ रिपीट कर रही हूँ, बंजारा मार्केट में हर चीज़ टॉप नॉट क्वालिटी के मिलती है, आप बिल्कुल भी मत सोचना कुछ भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यहाँ पे हर चीज़ दी बेस्ट क्वालिटी के मिलती है। एंड वही रीज़न है कि ये ना शोरूम है ना मॉल है, रोड साइड मार्केट है, बट स्टिल भी इनका प्राइस ज़्यादा है बिकॉज इनकी क्वालिटी उस अकॉर्डिंग है। एंड आपको यहाँ पे सोफ़ाज़ भी मिल जाएंगे, डाइनिंग टेबल्स भी मिल जाएंगे, बेड भी मिल जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी दिल्ली की फर्नीचर मार्केट से सस्ता मिलता है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट शॉप आर ए फर्नीचर, जहाँ से आप ज़रूर आके ये सब चीज़ें बाय कर सकते हो। एंड या गाइज अभी मैं एक हफ्ते बाद फिर से जाऊँगी ताकि जो न्यू स्टॉक आया है वो मैं कवर कर सकूँ। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई लव यू सो मच।